मैं समूह संगरूर वासियां नूं हथ बन के बेनती कर दिया कि कौमी इंसाफ वास्ते बीबी कमलदीप कौर का साथ देन। इस सूबे ने हमेशा शहीदा का बहुत सत्कार किया है, नतमस्तक होए तो साड़ी शान साढ़े शहीद है। आज जिंदा शहीदा दे वास्ते जिन्होंने अपनी सजावां पूरी कर लिया ने कौम दे खातिर, उन्होंने मैं बेनती कर दिया संगतान कि उन्होंने जिंदा शहीदा नू 30-30 साल तो जिहड़े काल कोठरियां च सड़ रहे ने अपना सारा जीवन त्याग के, परिवार त्याग के, खुशियां सपने सब कुछ त्याग के इस कौम वास्ते कल एक इतिहास लिखा जाऊगा कि आज जिहड़ी बीबी कमलदीप कौर इन्हां शहीदां दे इंसाफ वास्ते अगे आए ने, अकाल तख्त साहब दे हुक्म अनुसार, कोई सियासत विच नहीं लेकिन अकाल तख्त साहब दे हुक्मा करके उन्होंने पंथ जीवे मैं मरा वाली सोच लैके वो अगे आए ने। भावें उन्होंने हालात नहीं, पैसे नहीं, साधारण परिवार ते होन करके भी उन्होंने कौम का फैसला सुनिया ते ये लड़ाई लड़न दी उन्होंने एक मन बनाया, उन्हों का शुकराना कर दिया। तो संगरूर वासियां नूं कहंदियां कि तुसी कल एक इतिहास लिखना है कि जिहड़ी बीबी कमलदीप कौर अज इंसाफ वास्ते लड़ रही है। असी कहंदे आ दिल्ली ने कदे पंजाब ते पंजाबियों दे नाल साडा भला नहीं किया। अज संगरूर वासियां ने फैसला करना है कि वह इंसाफ दे नाल खड़ना है जिहड़े लड़ाई लड़ रहे ने, या जिन्होंने बेइंसाफी की उन्हां दे नाल खड़ना है। उन्होंने एक वह शहीद परिवार के जिंदा शहीद के परिवार के नाल खड़ना है, या जिहड़े पंथ विच फुट पा के वोटा पाड़ना चाहते उन्हां दे नाल खड़ना है। एक इतिहास कर लिखिया जाऊगा ते मैनू उम्मीद है कि जे इस बारी साडे सिख कौम ने साडे पंजाब दे कौम ने इंसाफ वास्ते उन्हां नू काल कोठरियां तो कढ़न वास्ते जे उन्हां दा साथ नहीं दिता ते शायद फिर आन वाले समय च साडे शहीदा दे मन च भी यह प्रश्न जरूर उठूगा कि 30 साल असी तो जिंदगी कुरबान करती, एक वोट मंगी सी, साडी कौम साडे नाल खड़ी कि नहीं खड़ी। ये गुरु साहब दे अज मीरी पीरी मालिक दे अकाल तख्त साहब दे हुक्मां दे बारे भी सिख कौम की सोचती है ते शहीदा जिंदा शहीदा बारे की सोचती है बाद नूं तो बहुत